नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। ये खबर है कयासों के आधार पर अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में सियासत जो है वो अभी भी लगातार गर्माती नजर आती है, लेकिन अभी भी यहाँ पर यही सवाल है कि क्या उद्धव को उनकी शिवसेना वापस मिलेगी, क्या उद्धव को यहाँ पर उनका चुनाव चिन्ह वापस मिलेगा, ये सवाल लगातार बना हुआ है। वही देखा जाए यहाँ पर तो फडणवीस यहाँ पर बजट पेश करते नजर आए, उसके साथ साथ यहाँ पर शिंदे को वो जिम्मेदारी नहीं दी गई। अब यहाँ पर कुछ खबरें लगातार ये सामने आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस ने यहाँ पर उद्धव ठाकरे से पहले भी बात करने की कोशिश की थी। उन्होंने पहले भी कहा था कि अभी भी मौका है, अगर यहाँ पर जुड़ना हो तो गठबंधन करना हो पार्टी के साथ, लेकिन उद्धव ठाकरे मना करते हुए नजर आए। अब साथ ही साथ देखा जाए तो शरद पवार यहाँ पर एनसीपी उनकी पार्टी नागालैंड में बीजेपी का समर्थन कर चुकी है, और यहाँ पर अभी भी कहा जा रहा है कि शरद पवार बीजेपी के साथ नहीं है। ऐसे कैसे, यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि शरद पवार ने यहाँ पर बीजेपी का साथ दिया और वो कभी भी आने वाले समय में यहाँ पर साथ छोड़ सकते हैं उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र में, क्योंकि बीएमसी चुनाव है और बीएमसी चुनाव वही है जहां पर ठाकरे की विरासत हमेशा से देखने को मिली है। लेकिन अब जिस तरीके से शिवसेना ठाकरे की नहीं रही और यहाँ पर शिंदे की हो गई है, तो क्या अब बीएमसी चुनावों में भी शिंदे का दबदबा दिखाई देगा। लेकिन अभी उपचुनाव हुआ यहाँ पर चिंचड़वाड़ में और कस्बा में, तो वहां पर कस्बा में जीत हासिल करते नजर आए थे उद्धव गुट। अब इसलिए उद्धव ठाकरे की उम्मीदें जो है वो एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आई है। लेकिन देखा जाए तो बीजेपी के साथ जुड़ने का अवसर उन्हें नहीं गंवाना चाहिए, इस तरीके की बात यहाँ पर बीजेपी लगातार कहती नजर आई, उनके समर्थक लगातार कहते नजर आए कि अगर बीजेपी उन्हें ऑफर देती है साथ जुड़ने का तो उन्हें जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि एक बार जो उनसे गलती हो गई यहाँ पर कांग्रेस और एनसीपी के साथ जुड़ने की, वो उनसे उस चीज की माफी यहाँ पर जनता से मांग सकते हैं। और जनता का जो भी समर्थन शायद 50 या 60% है, वो बढ़ के 80-90% तक भी पहुंच सकता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या बीजेपी की तरफ से अगर ऑफर मिलता है तो क्या शिंदे को अलग रखता है, यहाँ पर उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, ये बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन आप लोगों की राय है कि क्या उद्धव को ये कदम उठाना चाहिए या फिर अकेले ही चुनावों की लाइन में निकल जाना चाहिए, उस दौड़ में निकल जाना चाहिए और यहाँ पर शिंदे और बीजेपी को झटका देना चाहिए। बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।